कभी पहले मैं हरिंद्रा मौलाना जी साहब जी साहब और बेहतरीन गोशे आप हजरात हमारी जो फहरिस्त है शोरा कराम नहायत मुतबर और मुख्तर मोहतरम नाम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली सलाम मौलाना सैयद अनीस आबिदी साहब, आप सुनिएगा जबरदस्त शायरी और यकीन जाने बड़ी वक्त मैं खुद इस बात पर फख्र कर रहा हूँ कि आज अनीस भाई के लिए मैं निजामत करूँगा। बेहतरीन शायर आप सुनेंगे इंशाल्लाह, आप लुत्फ आएगा जनाब। जो शायरी सुनना चाहता है, मैंने कहा जो मैं भी देखने आया है उसके लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो वाकई शेर सुनना चाहता है जनाब अनीस आबिदी साहब को आप सुनेंगे बेहतरीन शायर। जनाब वसीम रिज़वी साहब पूरी दुनिया में नौहाखानी के एतबार से, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ भी उर्दू नौहा सुनने वाले लोग हैं वहाँ जनाब वसीम रिज़वी साहब का नौहा पढ़ा जाता है। पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में मोहब्बतों से सुना जाने वाला शायर जनाब वसीम रिज़वी, कई नौहे आपके दरमियान भी जनाब वसीम रिज़वी साहब से पढ़े जाते हैं, जिसमें से मशहूर तरीन नौहों में से अलविदा या हुसैन आप लोग पढ़ते हैं, वो जनाब वसीम रिज़वी साहब से पढ़ा हुआ नौवा है। इस किस्म की और बहुत से नौहे हैं जो वसीम साहब के पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नौवा खान और बेहतरीन मनकबत खान और शायर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त महाफिलों की जीनत है, बड़ी मोहब्बतों से बुलाए जा रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, सुने जाते हैं जनाब वसीम रिज़वी साहब। इंशाल्लाह हज़रात, हाँ आप पानी पीते रहे, पानी पीते रहे, इतनी देर तो मैं रहूंगा। जनाब वसीम साहब से आपको सुनना है और आप सबका अपना पसंदीदा और जाना माना चेहरा सकलैन सलेमहू यह है, और इंशाल्लाह आप हज़रात को सकलैन सलेमहू को भी सुनना है। मैं आपने कि आप इस वक्त मैं मेहमान नहीं हूँ, आपका मेजबान हूँ, मुसलसल आपके दरमियान आना जाना रहता है। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूंगा कि किसी शायर का हक मत मारिएगा। मसलन अरे अब हम चले थोड़ा आराम करके आए, डेढ़ दो घंटे की महफिल होगी, तरतीब जो है मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि कौन कब पढ़ने वाला है, कि आपको अभी से तरतीब बता देता हूँ, आपकी मर्जी। देखिए आपको जाना है चले जाइएगा, रुकना है रुकिएगा, कोई मसला नहीं। तरतीब यह है, सबसे पहले सकलैन सलेमहू पढ़ेंगे, उसके बाद वसीम रिज़वी साहब पढ़ेंगे, फिर सकलैन सलेमहू साहब पढ़ेंगे और उसके बाद मौलाना अनीस आबिदी साहब पढ़ेंगे। आप गौर कर रहे हैं, ये इस तरीके की तरतीब है, सकलैन सलेमहू साहब पढ़ेंगे, फिर वसीम रिज़वी साहब पढ़ेंगे, फिर सकलैन सलेमहू साहब पढ़ेंगे और आखिर में मौलाना अनीस। हाँ, जब तक आप बिल्कुल पूरी तौर से तैयार हो जाइए, साफ पढ़ेंगे, ये तरतीब रहेंगी। तीनों नाम जो हमारे दरमियान है इसमें नहायत मोतबर है, मोहतरम है। जहाँ से मौलाना ने नज्म में तकरीर खत्म की है, मैं वहीं से नज्म शुरू कर रहा हूँ। मौलाना ने जिस वाक़े पे तकरीर खत्म की के हाकिम शाम और शाम का बादशाह आया और उसने इमाम असर को जितना अब तक दिया था सबसे ज्यादा दिया। आप गौर कर रहे हैं, शेर सुनाने से पहले एक जुमला मैं भी कह दूं, जुमला ने अभी कहा कि मैं अमीर शाम नहीं कहूंगा, शाम का बादशाह कहूंगा, इसलिए कि बादशाह और होता है, अमीर और होता है तशरी की। एक लफ्ज अगर इजाजत हो जुमला आपकी तो मैं भी कह दूं कि बादशाह किसे कहते हैं और अमीर किसे कहते हैं। पूरे पांच मजलिस का मजमून एक जुमले में कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, यकीन जाने पांच मजलिस का मजमून एक जुमले में, बादशाह उसे कहते हैं। और इस बात हाकिम शाम के लिए इससे बढ़िया जुमला नहीं हो सकता, बादशाह उसे कहते हैं जो दूसरों के सामने का खाना लेकर खुद खा जाए मगर पेट न भरे। खुद खा जाए और पेट न भरे, अमीर उसे कहते हैं।
अपने सामने का खाना गरीब को खिला दे, अमीर को बचाए। घुटनों ने कलबों भी खड़े हो जाए
ہے مرضی یہ خدا قدیر اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا جناب سیدہ ایک وقت میں 40 جگہ کہاں گئی تو برابر کیسے وہی علی کے جو ہے مرضی خدا قدیر یہ دعویٰ ہے اگلا شعر دلیل وہی علی کے جو ہے مرضی خدا قدیر اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا اب اگر برابری دیکھنا ہے اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا بچھا کے فرش ازا دیکھ لے جہاں والے نظر لے کے پیش کریں گے بآواز بلند نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم.